kita bisa kejar, kita bisa kejar. कीचेन टकरा रहा है बॉडी से, ये कट कट हो रहा है, पर ये हैंडल से आ रही है। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी पृथ्वी तोमर और आज हमारे पास है अपनी बोलेरो जो कि मॉडिफाइड है और इसकी वीडियो भी अपन अपने चैनल पर डाल चुके हैं, तो अगर जिसको वो देखना हो तो वो भी देख सकता है। इसको मॉडिफाइड हुए करीब 2-2.5 महीने हुए हैं और इसमें अभी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये वीडियो सिर्फ इसी पर है कि अपन मॉडिफिकेशन में क्या दिक्कतें आ रही, क्या डिसएडवांटेज है और इस गाड़ी को जहाँ से हम लोग ने मॉडिफाई कराया है वहाँ से भी थोड़ा काम अच्छा नहीं हुआ है, तो अपन उस बारे में भी पूरी बात करेंगे। ये बोलेरो है युवराज की, इससे पूछेंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी तक। तो पहले अपन बात कर लेते हैं इस गाड़ी में डिसएडवांटेजेस क्या हैं अपने मॉडिफिकेशंस के, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि अपन ने ये गाड़ी जहां से भी अपन ने मॉडिफाई कराई है, सिकंद कार करके कोई है जो मॉडिफाई करता है तो उससे मॉडिफाई कराई है, तो उनने क्या क्या मतलब इस गाड़ी में गलत करा है या कॉस्ट कटिंग करी है जो भी करी हो, तो उसके बारे में भी फिर अपन बात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहली दिक्कत जो है ना मॉडिफिकेशन की, अब इतना बड़ा टायर पीछे टंगा लिया अपन ने, 18 इंच का थार का टायर डला है इसमें, तो ये जब खोलते हैं ना अपन डिग्गी, तो एक बार खोलिए युवराज, अब ये डिग्गी खोली, आधी डिग्गी भी नहीं खुली और ये लाइट में भिड़ रही है, तो इसके कारण देखो ये लाइट भी टूट गई है, तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और गाड़ी में काफ़ी चीज़ें वो ख़राब भी हो गई हैं, तो ये टूट गई हैं और हाँ टायर हैवी है ना, तो उसके कारण इसकी डिग्गी भी लटकने लगी, मतलब नीचे लगने लगी है, तो ये देखो ये फंस रही है डिग्गी, तो ये दिक्कत हो गई अपनी पहली मॉडिफिकेशन की। और टायर वाले डलाने में ना बहुत सी दिक्कतें होती हैं, तो इनको आपको मतलब सही कराना पड़ेगा और मेंटेनेंस तो बढ़ जाता ही है गाड़ी का। यहाँ एक दिक्कत और ये हो रही कि ये टायर डला है और उन लोगों ने क्या किया, गाड़ी को लिफ्ट नहीं किया है बिल्कुल भी, तो ये देखो यहाँ ये इसकी बॉडी में लग रहा है टायर चलने में, तो ये बॉडी चटक गई है, मतलब ये इसकी जो बॉडी है ना मेन बॉडी वो चटक रही है, तो इसमें फिर रस्ट भी होगा और ये बॉडी ख़राब हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि गाड़ी है ना जैसे ख़राब रास्तों में चलाओ या वैसे, तो थोड़े से भी धचके पड़ते हैं ना तो वो टायर लगता है बॉडी पे और बहुत ज़ोर से आवाज़ भी आती है ना, मतलब बहुत बेकार आवाज करती है, और जैसे हाँ झूल भी रही है बहुत ज्यादा गाड़ी, मतलब अभी आपको देख के भी समझ में आ जाएगा, अभी चल चला के दिखाएंगे ना तो समझ में आएगा कि क्या दिक्कत हो रही है। टायर ये देखो इसमें गैप भी बहुत कम है, ये इतना गैप बस है, और इस टायर को जब मोड़ो ना तो ये लड़ता है, ये देखो ये आवाज भी आ रही है ना जो स्टेयरिंग की मोड़ने के कारण, टायर ज्यादा हैवी है और यहाँ पे भी देखो बिल्कुल कम स्पेस बच रहा है तो लगते हैं टायर, टायर डालने के कारण ये गाड़ी जब मोड़ो या थोड़े भी इसमें कहते हैं मतलब गड्ढों में जाती है गाड़ी तो टायर लगता है, और भी नहीं हाईवे पे अपन मोड़ दो ना पूरी और एकदम से घुमा दो हाँ। तो लग जाता घर घर आ जाती है हाँ, मतलब ये थोड़ा भी स्लोप हो या कुछ भी हो तो पूरे में लग जाती है, मतलब इस गाड़ी को तेज चलाने में टिल्ट होती है ना तो हाईवे पे हो जाती है यार वो लगते हैं, वही मतलब ना इस गाड़ी को है ना तेज चलाने में डर लगने लगा, जैसे अभी भी हम लोग इस रास्ते से आए ना तो ये तने आराम से गाड़ी लेके आया ना, क्योंकि ये झूलती तो नहीं जाता और टायर लगते बहुत बेकार है, और इसमें बहुत से लोग बोलेंगे कि जैसे स्पेसर्स लगा लो तो बाहर आ जाएंगे तो नहीं लगेंगे, तो पहले से स्पेसर्स लगे हुए हैं, इतना ज्यादा बाहर करके रखा है ये देखो, ये देख सकते हो ठीक है, और इसमें लिफ्ट नहीं करी है गाड़ी, लिफ्ट होती तो थोड़ा शायद बच सकते थे, पर अभी तो अब नहीं बच रहे हैं तो लग रहे हैं टायर। अब गाड़ी को ना एसयूवी वाला मजा नहीं ले सकते इसमें, आराम से चलाओ बिल्कुल देख के, कुनाते निकाल नहीं सकते कहीं से, तो वो दिक्कत हो जाती है। और एक दिक्कत और हो रही है मॉडिफिकेशन की इसमें, कि इसका जो स्टेयरिंग है ना वो अभी चालू की थी तो वो भी सुना होगा बहुत गंदी आवाज़ कर रहा है, इसको ठीक भी करा चुके हैं तो भी ये ठीक नहीं हो रहा, और कंपनी वालों का तो यही बोलना है कि गाड़ी के टायर मतलब स्टेयरिंग पे बहुत ज़्यादा वेट लोड आ रहा है, इसी के कारण वो ज़्यादा आवाज़ कर रही है। बात कर लेते हैं कि मॉडिफिकेशन में और क्या ख़राब है, तो इसमें देखो कोई भी गाड़ी में अगर बड़े टायर डलाओगे तो वो कीचड़ बाहर फेंकने लगती है ना, तो इसमें एक और दिक्कत है ये कि ये लगे हुए हैं इसमें मतलब साइड में फेंडर टाइप का ये लगा है कि कीचड़ बचे, पर इसके देखो अंदर से कीचड़ आ रहा है, यहाँ से कीचड़ आके यहाँ लग रहा है ये, तो मतलब वो भी एक दिक्कत ही है। और अगर गाड़ी में जैसे बड़े टायर डले तो सस्पेंशन जल्दी खत्म होंगे, और पीछे तो उसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि उस बोलेरो में पीछे तो सस्पेंशन नहीं आते हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि अपन ने इस गाड़ी में इतना पैसा जैसे लगाया है तो जहां से अपन ने बनवाई है उनने क्या क्या बेकार काम किया है, तो युवराज तुम बताओ मतलब पहली दिक्कत की इनने मतलब खराब क्या क्या काम खराब किया, कहाँ से कराया है ये काम? ये पर काम कर रहा है पंजाब लुधियाना सिकंद कार। अच्छा तो इसमें मतलब ऐसी 2-4 चीजें दिक्कत हैं, जैसे देखो पेंट जो इनने किया ना वो पेंट की क्वालिटी बहुत खराब है, मतलब ऐसा कि देखो यहाँ जो देखो ये पेंट यहाँ चिटक रहा है, मतलब यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं पेंट में, और पेंट में ना जहाँ पेंट मारा भी है तो ऐसा बह गया है पेंट, ये देखो यहाँ मतलब अजीब सा बह के रखा है, फिर पेंट देखो पीछे भी दिखाते हैं अलग होने वाला है कुछ दिन नहीं, यहाँ पे भी ये देखो ये
ये देख रहा है वीडियो में कि नहीं कि यहाँ पेंट बह गया है, मतलब उतनी अच्छी फिनिशिंग भी नहीं है पेंट में ये। और ये देखो ये स्पीकर गिर गए, स्पीकर देखो ये गिर गया है, इसमें वो चाइना वाले स्क्रू आते ना वो लगाए थे मतलब जुगाड़ से, तो वो भी गिर गया है। तो अब ये इस साइड वाला गिर चुका है, इस साइड वाला कुछ दिन में गिर जाएगा। इस गाड़ी को तेज तो चला नहीं सकते। और क्या दिक्कत है युवराज? फिनिशिंग से नहीं किया ये, निकल गया होगा तो तुमने घर में जुगाड़ लगा दिया। मतलब ये देखो इतना अच्छा सब काम कर रहा है और ये इतना बड़ा स्क्रू लगा के दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये चाइनी वाले स्क्रू लगे हैं पूरे गाड़ी में। और ये देखो यहाँ पे ग्रैब हैंडल ढीले रहे इसके यहाँ, तो ये नहीं कि उनको दोबारा से नए स्क्रू या पूरे वो चेंज कर देते, उसी में जुगाड़ पानी करके क्लैंप क्लैंप लगा के उन्होंने वही लगा दिए। हाँ मतलब टोटल जुगाड़ किया था गाड़ी में ना। और ये निकलने लगे थे। और ये देखो ये स्क्रू है यहाँ पे, मतलब पूरे ये चाइना वाले स्क्रू से ये जो पूरा ये लगाया है ना कुशन, ये वो उससे कस के रखा है, मतलब देखने में भी साफ साफ बाहर स्क्रू लगा के रखे, जुगाड़ वाला काम। साइड निकलने लगी है, हिलने लगी है, ये भी निकल गई है। और ये फिनिशिंग, ये फिनिशिंग तो सही में अच्छी नहीं है, ये देखो ये यहाँ से बाहर है। और इसकी एक और दिक्कत है पता है, ये लगाया है हमने और उसके बाद रबड़ जबरदस्ती सेट करी है, तो ये देखो रबड़ निकल रही है, ये जबरदस्ती सेट करी है रबड़। ये देखो रबड़ में इतना ज्यादा ये फैला नहीं रहता, ये जो इसका जहां से ये सेट होता है ना ये फैला नहीं रहता, पर यहाँ पे लगा दिया हमने कुशन, तो कुशन के कारण ये रबड़ बाहर आ रही है, यहाँ की इस गेट की भी आ रही है और इस गेट की भी बाहर आ रही है अपने आप। सॉकेट ऑकेट है जिसमें अपन चार्जर वार्जर लगाते हैं वो भी बंद है। और हाँ क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन में पूरी गाड़ी खोली तो पूरी गाड़ी खोलने के बाद जो फिटिंग करी है उसमें ध्यान नहीं दिया, अब ये जो सॉकेट है पूरे ये चार्जिंग आर्जिंग के ये सब बंद है। और देखो पेंट, ये हैंड ब्रेक का यहाँ का ये रबड़ में जो पेंट था ये पूरा निकल गया। अब इसमें तो ये भी नहीं बोल सकता कोई कि अपन ने कोई डीप स्क्रैच मारा है या कुछ भी, यहाँ पे हो सकता है यहाँ डीप स्क्रैच है इसलिए वो निकल गया है, पर यहाँ का भी अपने आप निकल गया। ये गाड़ी चार पांच दिन चली है तभी में ये निकलने लगा था, ले के आए थे तभी निकल गया था, घर लाए हैं। हाँ घर लाते लाते निकल गया था, रिव्यू किया था ना तो वीडियो बनाया था उसमें भी हल्का हल्का निकल गया था। हैंड ब्रेक की केबल भी नहीं डाली है तो उसमें भी ध्यान नहीं दिया कि हैंड ब्रेक लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। अब अपन बार बार जा भी नहीं सकते इतने दूर हैंड ब्रेक की केबल लगवाने के लिए। लेके आए थे तो बहुत दिन से एसी नहीं चल रही थी, जिस दिन उसकी एसी चेक कराई एसी के पूरे पाइप निकले डले थे, फिर दोबारा से एसी हाँ, उसकी। जैसे क्या होता है एसी वेंट्स के जो पाइप आते हैं वो यहाँ पे अगर सही से सामने मतलब सही से रहे तो फ्लो अच्छा आता है, पर अगर वो नीचे गिर गए थे मतलब यहाँ से नीचे गिर गए तो अंदर हवा फैलती थी अपने यहाँ नहीं आती थी, तो उसका वो फ्लो भी खराब हो गया था, वो भी सही से सेट करके नहीं दिए थे इनने मेरे को लगता पता है। और इन लोगों ने रबड़ ये चिपका दी थी, रबड़ है ना ये देखो ग्लू से चिपकाई थी तो वो ग्लू निकल गया, तो अब वो रबड़ भी निकल रही है। और पता है ये ग्लू अब निकल गया ना, जैसे यहाँ की भी निकल जाएगी तो वो पूरी निकलेगी अपने आप निकलने लगेगी, और वहां पे भी ग्लू भी लगा है करके नीचे आ गया रहा, फिर सेट किया ये बाहर आ गया था ना ये अच्छा ये ऐसा आ गया रहा। अरे मतलब इसमें तो लॉक बस है ना छोटा सा, ये है कि ये गाड़ी को तेज तो चला नहीं सकते तो उन्होंने सोचा वो लगा दो ये सही। और जैसे अभी ये गाड़ी हम लोग लेके आए थे ना तो युवराज कांच बंद कर रहा था जब, तो ये वाला कांच भी हल्का हल्का फंसने लगा था, ये कभी फंसता है कभी सही चलता है, अभी चला के देखिए युवराज अभी चल रहा है कि फंस रहा है, तो अभी तो जैसे ये सही चल रहा है, कभी कभी क्या होता है ये अटक जाता है तो उसको हाथ से पकड़ के खींच दो तो फिर चलने लगता है, कभी कभी मीटर फंस जाता है। जब कहते हैं हम लोग ने ये गाड़ी का रिव्यू किया था ना तो उसमें क्या हो रहा था, ये मीटर है ना 140 स्पीड दिखा रहा था, वो उतना ही फंसा था, पता नहीं क्या ही सिस्टम था उसका वायरिंग का, अपने आप ठीक हो गया, अब जो भी हो उसमें समझ में नहीं आया कि पर क्या दिक्कत थी उसकी। अब जैसे देखो इन लोग को, अब इन लोग को पता है कि नहीं पता इसमें कितना पैसा लगा, हेमराज बता इसमें कितना पैसा लगा होगा मॉडिफिकेशन में, सीरियसली नहीं देख के लग रहा है 2-2.5 लाख मुश्किल से, तू बता। लग रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें। कितना लगा ये राजा से पैसा? पैसे लगे 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपए लगाने के बाद मतलब ये गाड़ी मतलब ऐसी हो गई है कि गाड़ी नई हो जानी थी और चलने में मजा आना था, पर वो चलने में ऐसी हो गई कि इसको और संभाल के चलाना पड़ रहा है। कैसा फील कर रहा है युवराज ये गाड़ी मॉडिफाई कराने के बाद वहां से? मॉडिफिकेशन सोच समझ के करानी चाहिए, जो ठीक ठाक लगे ये ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कराना चाहिए, और करवाओ तो फिर अच्छे से करवाओ, पूरा उसका मैकेनिज्म देख लो कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी क्या कैसा सब देख के कराओ, नहीं तो ये टायर वायर बड़े बड़े डलवाना
कोई मतलब नहीं है। और पता है इसमें सिर्फ जिसने ये मॉडिफाई करी उसकी भी बस गलती नहीं है, मतलब अगर देखो ये मॉडिफिकेशन ऐसे कराओगे ना कुछ दिक्कत तो आती है गाड़ी में। बस ऐसी जगह से कराओ जो तुम्हें ये सॉल्यूशन करके दे कि पता तो ये सबको है कि बड़े टायर लगाएंगे तो गाड़ी लगेगी वहां, गाड़ी मोड़ने में दिक्कत जाएगी, तो उनको ये सब सेटिंग उनकी करके देनी थी। क्योंकि 5-6 लाख रुपए खर्च कर रहा है इंसान तो लिफ्ट किट या थोड़ी बहुत 10-20 हजार की 15 हजार और ज्यादा खर्च होंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं इंसान को। जैसे इतना बड़ा नाम है उनका, उनके पास गाड़ी छोड़ी, कम से कम उनको ये जो छोटी मोटी फिनिशिंग है अब जो स्क्रू स्क्रू जो लगा दी उनने वो का ढंग से काम करने चाहिए थे। हाँ ये भी बात है भाई, जैसे उन लोग इन लोग को तो पता नहीं था तो उन लोग ने यूट्यूब जहाँ पे भी देखा हो तो उससे के हिसाब से लेके गए थे वहाँ पे, है ना। तो उन लोग ने मतलब ऐसा काम करना था कि चाइना वाले वो स्क्रू मार दिए वहाँ पे पूरे जो कुशन लगे हैं उनको तो सही से काम करना था। उनको गाड़ी का मॉडिफिकेशन है ना जितना हो सके तो अपने आस पास से कराओ, लोकल से जहाँ आना जाना ज्यादा हो आपका तो आप थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो तो जाते टाइम करवा सकते हो वहाँ ठीक। अब अगर इस गाड़ी को 500-600 किलोमीटर अगर वो हैंड ब्रेक का वायर बदलवाने ले जाएं या ये पेंट जो चटक रहा है इसकी कंप्लेंट करने ले जाएं, अब वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, 1200 पंजाब जाना है ना, तो उसमें ले जाना कोई वर्थ नहीं है। तो मतलब अगर ये सोचा था कि अच्छी रेपुटेटेड जगह है वहां से मॉडिफिकेशन कराएंगे तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कंपनी वाला काम रहता ना कि एक बार करा लिया और फुर्सत, तो वैसा काम हो जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं है। पता है मेरे से ना पुरानी जो रिव्यू वाली वीडियो 2-4 लोगों ने मेरे से वो भी मांगा नंबर कि कहां से काम कराया है, कहीं किसी को अलॉय चाहिए किसी को बम्पर लगवाना है, तो भाई मैंने इसलिए नंबर नहीं दिया। अब पेंट की क्वालिटी की बात हो रही ना कि पेंट कितना अच्छा किया, अब जो लोग मतलब इस लाइन में होंगे वो अच्छे से बता भी सकते हैं और अपन को तो देख के जो समझ में आ रहा अपन वो बता रहे हैं ना। तो यहाँ देखो ये पेंट देखा अलग अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे टूट रहा है, मतलब ये यहाँ पे भी ये खुल के नहीं हुए हैं, जैसे फेंडर एंडर ये अलग होके पेंट होते हैं ना, गाड़ी अंदर सीधी खड़ी करके पेंट कर दी। और ये देखो ये यहाँ से देखो ये भी निकल रहा है ये, तो ये सब इतना अच्छा काम करके रखा है उनने। और इसमें तो भाई मॉडिफिकेशन की गलती नहीं है, गाड़ी तो पेंट हर कोई कराता है, तो ये इनकी गलती है जहाँ से इनने कराया है और जिनने ये किया है, तो अब उन्हीं की गलती है, ये तो करने वालों की गलती है उसमें अपन। हाँ मतलब उनसे काम आता नहीं है, हाँ, काम या आता नहीं है या उनने अब बेकार काम किया या बिगाड़ा जो भी, अब वो जान सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे रस्ट भी हो रहा है हल्का हल्का यहाँ देख रहा हो, तो तब ये खराब नहीं हो जाएगा पूरा फिर से। और यहाँ पे भी पेंट ये देखो क्रैक आ रहे हैं, थोड़े दिन बाद ही होता कम से कम साला कितने। हाँ मैं गाड़ी आ रही 27-28 तारीख को घर आ रही गाड़ी दिसंबर में, और अभी कितनी तारीख है, 27-28 दिसंबर अभी 10-12 मार्च है, वही 2-2.5 महीने नहीं हुए यार। हाँ मतलब 1-1.5 साल चला लें तो आए तो समझ में भी आता है कि हो सकता है मेंटेन नहीं किया हो या अपनी कुछ गलती हो गई हो, पर अब 2 महीने में अगर ऐसी हाल है तो 2 साल बाद तो ये गाड़ी कबाड़ हो जाएगा। यहाँ से ये भी देखो ये ऊपर के पेंट जॉब तो गाड़ी का बेकार है पूरा, और अच्छी क्वालिटी का या तो सामान यूज नहीं किया, अब पेंट के बारे में तो अपन को ऐसा कुछ खास पता नहीं है, तो या सामान यूज नहीं किया या उनके लोगों को काम करना नहीं आता, काम अच्छे से नहीं किया उनने, परफेक्ट काम नहीं था। तो फिर अपन इस वीडियो को यहीं खत्म करते, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बाय 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 कर दो युवराज। वो कुछ कहना चाहोगे मॉडिफिकेशन के बारे में? मॉडिफिकेशन कराओ पर ऐसे मत कराओ, अच्छे से और अच्छी जगह पे कराओ, आसपास कराओ मेन चीज। और अब ये देखो यहाँ पे भी पेंट निकल रहा है, मतलब सबसे खराब मुझे ये स्क्रू लगे हैं भाई।